गोपाल दास जी नीरज द्वारा लिखी गई यह कविता छिप छिप अश्रु बहाने वालों, देश के नौजवानों के लिए। भारत के नौजवानों में आजकल सुइसाइड करना मानिए एक फैशन सा बन गया है। छोटे छोटे कारणों के कारण हमारे नौजवान भगवान के दिए गए इस अमूल्य रत्न को यूं ही गंवा रहे हैं। ये कविता नौजवानों के लिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या, माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या, आंसू गर नीलम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ द्वीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहां पर, खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी जैसे रात उतार चांदनी। पहने सुबह धूप की धोती जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार घगरियां फूटी, लाखों बार घगरियां फूटी, शिकन ना आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंद फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। दोस्तों, जीवन में कुछ टेस्ट, कुछ एग्जाम्स, कुछ स्कोर्स, ये कुछ चीजों में हार या जीत, आई थिंक ये इररेलेवेंट है। यही जीवन, इनसे आगे बढ़कर और बहुत कुछ है। तो जीवन में अगर आपको कहीं भी किसी मोड़ पर निराशा का सामना करना पड़ा है, तो अपनी मोटिवेशन और अपनी ड्राइव और अपनी जीने की इच्छा को मत खोएं, क्योंकि जीवन में एग्जाम्स के आगे और इन सब चीजों के आगे आगे और बहुत कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।